ओम शांति। 30 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। बाबा ने कहा, बच्चे वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्ट मोहा बनो। साकार पाप को पूरा पूरा फॉलो करो, साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। आज की मुरली का प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा ने कहा, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। श्रीमत कहती है, तुम ब्राह्मण बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। आज की मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 पॉइंट, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। 2nd पॉइंट है, जीते जी मर कर अपने को छोटा बच्चा समझना है। जीते जी मर कर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। आज की मुरली का वरदान है, फॉलो फादर कर नंबर वार विश्व के राज्य का तखत लेने वाले तखत नशीन भव। फॉलो फादर कर नंबर वार विश्व के राज्य का तखत लेने वाले तखत नशीन भव। विश्लेषण है, जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबर वार
विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। बाबा ने कहा, दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। ओम शांति।